हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन होइने हार्ट थ्रो फॉल इन लव विथ ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब दूसरे दिन ये दोनों लिविंग में रहने के लिए आ गए हैं, नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। त्यांग तो पहले ही इस घर में आ गए हैं, उसके पास इस घर की चाबी भी है और इस घर की पासवर्ड भी है। वो अपना सामान अनपैक कर रहे थे। जेके घर में आते हैं, वो देखते हैं घर में पहले से कोई है, तो जेके समझ जाते हैं वो कोई और नहीं, उसका लाइफ पार्टनर होने वाला है जो वो ही है। वो कमरे के अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि त्यांग इस घर में है और अपनी सामान की अनपैक कर रहे हैं। जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि हो क्या रहा है, आखिर में ये करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है ये। फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा याद आने लगते हैं बचपन की वो पहली किस जिसके साथ किया था, उसकी फेस, उसकी वो ब्यूटीफुल सा फेस जेके की आइज के सामने आ जाते हैं। वो बोलते हैं, त्यांग क्या तुम वो हो? इसका मतलब ते। त्यांग बोलते हैं, हाँ आखिर में तुमने मुझे पहचान लिया। तो तुम नाटक क्यों कर रहे थे? और कॉलेज में तुमने मुझे बहुत तंग किया है, तुम मुझसे गुस्सा थे इसलिए ना? जेके कहते हैं, क्या अब मैं उसको कैसे बताऊँ कि मुझे तो वो याद भी नहीं है। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम सबके सामने बताना नहीं चाहते हो कि हम दोनों की शादी होने वाले हैं और हम लिविंग में रहने वाले हैं, इसलिए नाटक कर रहे थे ना? जेके आखिर में बोल ही देते हैं कि नहीं, मुझे तुम याद ही नहीं रहे क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। त्यांग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। नफ़रत, नफ़रत बहुत बड़ा वर्ड है। तुम मुझसे नफ़रत करते हो जेके? जेके बोलते, हाँ क्योंकि उस दिन तुम मुझे छोड़ के चला गया था जब मैं तुम्हें जाने के लिए मना कर रहा था, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था त्यांग, लेकिन तुमने मुझे छोड़ के चला गया। तब से मैंने तुम्हें देखना पसंद नहीं करता और मैंने तुम्हें भूलने का सोच लिया था, और मैं तुम्हें भूल भी गया, देखा तुम मुझे याद भी नहीं। फिर त्यांग कहते हैं, अगर मैं तुम्हें याद नहीं रहा तो अचानक याद कैसे आ गया और तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? सब कुछ तो याद है कि मैंने तुम्हें छोड़ के चला गया और हम दोनों की फर्स्ट किस, तो क्या याद नहीं है जेके? जेके बोलते हैं, वो तुम मुझे याद नहीं क्योंकि तुम लायर हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, लेकिन उसके बाद ही तुरंत तुमने मुझे छोड़ के चला गया। त्यांग बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरी मजबूरी था, मैं जानबूझ के थोड़ी गया था, मुझे जाना पड़ा, मॉम डैड के साथ जाना पड़ा मुझे। अगर मैं मॉम डैड के साथ नहीं जाता मैं किसके पास रहता? जेके बोलते हैं, मेरे पास रुक जाते, मेरी मम्मी डैडी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल करता, तुम्हें जाने की ज़रूरत तो नहीं था ना? त्यांग बोलते हैं, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे पेरेंट्स अगर कहीं पे चले जाएंगे और तुम अगर छोटे होगे तो तुम उनके साथ ही जाओगे ना? जेके बोलता है, नहीं, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता मैं कभी नहीं जाता, मैं तुम्हारे साथ वहीं पे रुक जाता जहाँ तुम रुक जाते। त्यांग बोलते हैं, ऐसा है क्या, तुम उसे इतना प्यार करते हो? जेके बोलते हैं, ये तुम्हारी गलत फैमिली है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, प्यार तो दूर की बात है। त्यांग समझ गए हैं कि जेके उससे नाराज़ है, अब उससे बात करना सही नहीं होगा, और बोलते हैं, लेकिन तुम उसे अनजान मारने की क्यों कोशिश कर रहे थे? जेके बोलता है कि क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुम वो धोखेबाज हो, अगर मुझे याद होता तो मैं तुम्हें धक्के मार के कॉलेज से बाहर निकाल देता, लेकिन तुम मुझे याद ही नहीं रहा, कितनी अच्छी बात है ना? त्यांग को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। वो बोलते हैं, सच में मैं तुम्हें याद नहीं रहा? जेके बोलते हैं, नहीं। त्यांग उसको बोलते हैं, देखो मेरे पास तुम्हारी हर एक पिक्चर है, तुम्हारी बचपन से लेकर बड़े होने तक। जेके बोलते हैं, ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास ही रखो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कोई पिक्चर नहीं है। जेके की बात सुन के त्यांग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब तुम ये भी नहीं जानते थे कि तुम्हारा फियोंसे कैसे देखता है और मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ, और कॉलेज में जब मैंने इंटर किया तुमने मुझे पहचाना भी नहीं। जेके अपना फेस मायूस सा बनाते हैं और बोलते हैं, नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना क्योंकि मैंने तुम्हारी इतनी सालों में एक पिक्चर भी नहीं देखा है,
हाँ, मॉम डैड ने कोशिश किया था दिखाने की, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा तुम्हें देखने की। त्यांग बोलते हैं, तुम मुझसे इतना नफरत करते हो। जेके बोलते हैं, हाँ इतना नफरत करता हूँ, अब समझ में आया। जेके की बात सुन के त्यांग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। वो चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जेके बोलते हैं, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। त्यांग खुश हो जाता है कि जेके उसको रोक रहे हैं, लेकिन फिर जेके बोलते हैं, कुछ दिन यहाँ पे नाटक करने के लिए रह जाओ, उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे और बोल देंगे हमें एक दूसरे को पसंद नहीं आया, हम शादी नहीं करेंगे। त्यांग दोबारा से शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जेके क्या बोल रहा है, क्या वो नाटक करने के लिए यहाँ पे आए हैं और फिर उसके बाद शादी तोड़ देगा, और वो मुझसे इतना नफरत करते हैं। और जेके मन में बोलते हैं, मैं तुमसे इतना नफरत करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत रुलाया है। जब से तुम यहाँ से गए थे, मैंने तुम्हारे लिए हर रात अपनी पिल्लो भिगाई है अपने आंसू से। मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, बहुत ज़्यादा रोया है, और तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम वहाँ पे जाके मुझे भूल ही गए थे। और यहाँ पे त्यांग बोलते हैं, मन में सोचते हुए कि मैंने तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद कितना ज़्यादा कॉल किया था, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जेके बोलते हैं, मैं कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था कि तुम जब जाओगे मुझे फ़ोन करोगे मुझे मनाने के लिए, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं किया। और यहाँ पे त्यांग मन में कहता है, मैंने वहाँ से जब भी कॉल किया है तुम हमेशा अपने गार्ड से यही बुलवाते थे कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे गार्ड मुझे यही कहते थे कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। आखिर क्यों जेके? ये सब कुछ एक दूसरे के मन में ही बातें किए जा रहे थे। और गार्ड वहाँ पे बोल रहे थे कि जेके बाबा ने बहुत रोया है और वो दोनों अब साथ में रहने वाले हैं। मैंने उसको कहा भी नहीं कि त्यांग जब यहाँ से चला गया था उसको बहुत बार कॉल किया था, जब से गए हैं एवरी डे उसको कॉल करते थे, लेकिन उस त्यांग ने मेरी जेके बाबा को रुलाया है, इसलिए मैंने हमेशा उसको झूठ बोलता था कि जेके तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। आखिर में वो दोनों साथ में हो ही गए, मैं चाहूँ भी तो भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जेके के मन में त्यांग के लिए जो नफरत है वो मेरी वजह से है, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, मुझे उन दोनों को बता देना चाहिए। आखिर में मैं उन दोनों को अलग तो नहीं करना चाहता हूँ, उन दोनों की बुरा नहीं चाहता हूँ, उन दोनों के लिए मैं हमेशा अच्छा चाहता हूँ, लेकिन उसकी वजह से जेके ने बहुत रोया है इसलिए मैं उससे दूर रखना चाहता था उसे, लेकिन शायद गलती कर दिया है और मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उन लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहिए। त्यांग बेड पे जाके लेट जाते हैं नाइट सूट पहन के और जेके को देख रहा था। जेके बोलते हैं, इस तरह से क्यों देख रहे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, मुझे घूरो मत। त्यांग बोलते हैं, मैं तुम्हें घूर कहाँ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। जेके बोलते हैं, मैं कोई देखने की चीज़ हूँ क्या, कुछ और देखो, मेरी तरफ मत देखना। जेके पीछे मुड़ के देखते हैं, त्यांग अभी भी उसको ही देखे जा रहे थे। अब जेके के हार्ट बीट बढ़ने लग गए थे, तो फिर जेके यहाँ से जल्दी से चले जाते हैं अपने कपड़े लेकर वॉशरूम पे और उसको बदलने के लिए, वो भी नाइट सूट पहन के आ जाते हैं। त्यांग अभी भी उसको ही घूरे जा रहे थे और वो मन में बोल रहे थे, तुम कितना ज़्यादा हैंडसम हो, पहले की तरह ही तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो और इन नाइट कपड़ों में तुम तो और भी ज़्यादा हॉट लग रहे हो, और हम दोनों साथ में रहने के लिए आए हैं लेकिन कितने दूर है हम एक दूसरे से। जेके आके एक टूल पे बैठ जाते हैं, वो शॉर्ट पैंट पहना हुआ था, उसके टांग दिख रहे थे। त्यांग उसकी टांग की तरफ देख रहा था और वो बोल रहे थे, कितना सेक्सी लेग, और जेके की होठो की तरफ देख रहे थे, उसकी पाउट किया हुआ होठ, जिसको देख के त्यांग को और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहे थे। उसके हार्ट बीट बहुत तेज हो चुके थे, उसका मन कर रहा था कि वो जाके किस कर ले जेके को, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जेके उसको गुस्से से देख रहा था। और त्यांग को बोलते हैं, हे यू, क्या तुम एक बेड पे ही सोने वाले हो क्या, चलो जाओ तुम दूसरी कमरे में जाके सो जाओ। त्यांग कहते हैं, मैं इस कमरे में ही रहूँगा क्योंकि मुझे ए बेड पसंद आया, मैं दूसरी कमरे में नहीं रहूँगा, मैंने चेक करके देखा है वो बेड बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, सॉफ्ट है, मुझे इस पे ही सोना है। जेके बोलते हैं, हे
मुझे इस बेड पे सोना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे भी यहीं पे ही सोना है, तुम जाके किसी और बेड पे जाके सो जाओ। त्यांग कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम मेरे साथ बेड शेयर करना चाहते हो। जेके बोलते हैं, पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूँगा तुम्हारे सपने में, जाओ जाओ सोफे पे जाके सो जाओ। त्यांग बोलते हैं, तुम इतना रूड क्यों बन रहे हो, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, ठीक है, तो इस घर में रहने की मेरी भी राइट है, मैं अभी इस कमरे में रह सकता हूँ। जेके बोलते हैं, तो दूसरी कमरे में जाके रुक लो, मेरे साथ इस कमरे में रुकने की क्या ज़रूरत। ये दोनों इसी बात पे बहस कर रहे थे, बहुत रात हो चुके हैं, अब मिडिल नाइट है, इन दोनों को ही नींद आ रहे थे। बिना झगड़ते हुए दोनों दोनों साइड पे जाके सो जाते हैं, बीच में तकिया रखते हैं। जेके त्यांग को बोलते हैं, देखो इस तकिए की इस पर मत आना, ठीक है। त्यांग जेके को बोलते हैं, तुम भी इस साइड पे मत आना वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। जेके बोलते हैं, देखते हैं कौन किससे गिराते हैं, तुम मेरे साथ नहीं जीत सकते हो। त्यांग बोलते हैं, यहाँ पे कोई फाइट चल रहा है क्या कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जीत सकता हूँ, तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है चलो आओ देखते हैं कौन जीतते हैं। और फिर त्यांग उठ के बैठ जाते हैं और फिर जेके बोलते हैं, हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे फाइट करने के लिए बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ त्यांग बोलते हैं, तुमने मेरा हिम्मत देखा ही कहाँ है, अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं तुम्हारे साथ। जेके बोलते हैं, तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। त्यांग तेते और फिर वो रुक जाते हैं। जेके के मुंह से अचानक तेते निकल जाते हैं, जो सुन के त्यांग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से जेके ने उसको तेते ही कहा है और हमेशा से इस नाम से उसको पुकारा है। त्यांग को बहुत अच्छा लगता है उसके मुँह से ये बात सुन के, उसको पुराना दिन याद आ जाते हैं जब जोंगकुक अपनी बचपन की आवाज़ से लड़खड़ाते हुए ते ते बोलते थे, जो सुन के ते को बहुत अच्छा लगता था। इतने साल बाद दोबारा से जेके ने उसको ते ते कहा तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको देखे जा रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को अब देखे जा रहे हैं। जेके अचानक त्यांग को बोलते हैं, हे सो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना है। त्यांग बोलते हैं, तुम मुझसे डर गए। जेके उसके ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या कौन डर गया। और फिर त्यांग के हार्ट बीट जोर जोर से धड़कने लगते हैं, उसके सांसें रुक गए थे कि जेके उसके ऊपर आ गए हैं, उसके बहुत करीब थे। जेके त्यांग की और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और उसकी और त्यांग की होठों के बीच में सिर्फ 21 सेंटीमीटर की गैप थे। ये दोनों कुछ देर अगर और इस तरह से रहा तो एक दूसरे को किस ही कर लेंगे। त्यांग उसको धक्का दे देते हैं क्योंकि उसका हार्ट बीट इस तरह से बढ़ चुके थे कि ऐसा लग रहा था अभी फट जाएगा। जेके को बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर आने की। जेके बोलते हैं, हे तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। त्यांग को बहुत बुरा लगता है, दोबारा से उसके हार्ट टूट जाते हैं जेके की वजह से। उसको गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की। कोई बात नहीं, वो मुझसे नाराज़ है, मैं उसको मना लूँगा, फिर से जेके मेरा हो जाएगा और वो बचपन वाला जेके मुझे मिल जाएगा। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते सो जाते हैं। सुबह को जब उठते हैं, त्यांग और जेके एक दूसरे को हक करके सो रहे थे, बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। त्यांग और जेके की होठ एक दूसरे को टच करते हैं और इन दोनों की नींद टूट जाते हैं। त्यांग और जेके दोनों ही चीख के बोलते हैं, हे तुमने मेरे साथ क्या किया। जेके बोलते हैं, तुमने मेरे साथ क्या किया है, हाँ तुमने रात को मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। त्यांग बोलते हैं, पहले तुम बताओ, तुमने तो कुछ नहीं किया। वो बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, तो फिर हम दोनों इस तरह से कैसे सो रहे हैं। जेके बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तुम पता करो। त्यांग बोलते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं तो साइड पे सो रहा था ना, और बीच की पिल्लो कहाँ गया। जेके बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, तुमने पिल्लो को हटा के मेरे ऊपर आके सो गए। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उन दोनों की घर की कॉर्निंग बेल बज रहे थे और कोई नहीं, इस घर में एंटर होते हैं इन दोनों की पेरेंट्स की। और ये दोनों बोलते हैं, अब इस वक्त कौन आ गए हैं। वो दोनों डायरेक्टली घर के अंदर एंटर करते हैं क्योंकि उन लोगों को पासवर्ड पता है, और आके देखते हैं ये दोनों साथ में एक बेड पे सो रहे हैं। इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो
ये दोनों आंखें में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। उन लोगों को अच्छा लगा। फिर बोलते हैं, गलत टाइम पे आ गए हैं, शायद हमें इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था। जेके बोलते हैं, क्या मतलब, क्या समझाना चाहते हैं आप? और फिर उसके मॉम डैड बोलते हैं, कुछ नहीं, तुम लोग जो कर रहे थे कंटिन्यू करो, हम जा रहे हैं, हम तो देखने के लिए आए थे। और मिसेस किम और मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा। मिस्टर और मिसेस जियोन कहते हैं, ठीक है हम जाके एक बड़ी सी रेस्टोरेंट पे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देना, ठीक है तुम दोनों को हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं, हम चारों जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हमें जो देखना था हमने वो देख लिया है। और यहाँ से चला जाता है। ये दोनों कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलते हैं इन दोनों को। त्यांग शाय फील कर रहे थे कि उन दोनों को इस तरह से देख के वो लोग क्या सोच रहे होंगे। जेके बोलते हैं, कुछ भी सोचे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ इस घर पे मत रुको। त्यांग बोलते हैं, तुम हमेशा इस तरह से क्यों बोलते हो, तुम हमेशा एक ही चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ से चला गया तो? जेके बोलते हैं, हाँ बिल्कुल तुम यहाँ से जाओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। आप कॉलेज का टाइम हो गए हैं और ये दोनों साथ में कॉलेज जाने वाले हैं और इस घर पे एक ही कार है, इन दोनों को एक कार में ही जाना पड़ेगा। ये दोनों तैयार हो जाते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके खा लेते हैं क्योंकि इन दोनों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं और कार एक है तो दोनों को साथ में ही जाना होगा। तो त्यांग बोलते हैं, हम दोनों एक काम करेंगे, कॉलेज की थोड़ी पहले ही रुक जाएंगे और वहाँ से अलग हो जाएंगे। जेके बोलते हैं, तुम गाड़ी से उतर जाना, मैं कार लेके जाऊंगा, तुम बाद में चल के आ जाना। त्यांग बोलते हैं, क्या मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने कभी पैदल नहीं चला है, हमेशा कार पे ही चलने की मुझे आदत है। जेके बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें उतारना पड़ेगा। त्यांग बोलते हैं, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो वो दोनों साथ में कार में जा कर बैठ जाते हैं लेकिन उन दोनों को उतारते हुए कॉलेज की कोई देख लेते हैं और बोलते हैं पूरी कॉलेज में कि ये दोनों साथ में कॉलेज आए हैं और बीच रास्ते में अलग हो गए हैं। पूरी कॉलेज में सब यही बातें हो रहे थे। त्यांग और जेके साथ में, हार्टथ्रोब और बुली बॉय साथ में क्या कर रहे हैं, ये दोनों तो एक दूसरे को नफरत करते हैं, ये दोनों साथ में कॉलेज आए हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग न्यू सब्सक्राइब कर रहे हो वो लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है वहीं पे और भी एक्सप्लेन किया हुआ है जो कंप्लीट है। तो आप लोग खुद का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।